नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर में चोरों ने फिर मचाया आतंक। मानगो क्षेत्र में दुकान का वेंटिलेटर काट दिया, चोरी की घटना को अंजाम। सरायकेला जिले के आदित्यपुर में स्टैंडअप इंडिया योजना को लेकर हुआ सेमिनार का आयोजन, 22 बैंकों के प्रतिनिधि हुए शामिल। जमशेदपुर से सटे NH-33 वाली गोमा में लावारिस हालत में मिली बच्ची, स्थानियों ने भर्ती कराया अस्पताल में। और जमशेदपुर व आसपास के क्षेत्रों में मनाया गया हिंदी दिवस, कई कार्यक्रम आयोजित। और अब खबरें विस्तार से, और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर के मानगो चौक स्थित किराना दुकान के वेंटिलेटर काटकर चोरों ने 80,000 रुपए नगद चोरी की घटना को अंजाम दिया। किराना दुकानदार श्याम ने बताया, बुधवार की रात दुकान के पीछे का वेंटिलेटर काटकर चोर दुकान के अंदर प्रवेश कर गए और गले में रखे 80,000 रुपए नगद चोरी की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने जानकारी दी, दुकान में लगे CCTV कैमरे में चोर की तस्वीर आई है। देखें, चाबी यहाँ बिखरा हुआ है, गल्ला खुला हुआ है। उसके बाद हम जब चाबी का गोदरेज चेक किए तो गोदरेज में कोई कैश नहीं था, गल्ला खोला तो गल्ला में 1 रुपये भी नहीं था। अरे 2 रुपये 50 करोड़ खाली दिख रहा, तभी ऐसा चांदी का सिक्का भी पड़ा था, वो भी उठा के लेके नहीं गया। जितना नकदी था वो ले गया, एक कैमरा का तार काट के लिया, पीछे का कैमरा का तार काट के लिया, और चाबी सब फेंका होता है यहाँ पर। सामान में कुछ नहीं लगी, अगर कैश कुछ नहीं, टोटल कितना कैश लगी है? 70 से 80 हज़ार रुपये था। अगर चोरी होती तो मामला कहीं ना कहीं संदिग्ध लगता है, और निश्चित रूप से वीडियो CCTV फुटेज में भी चोर का तस्वीर आया है। हम आपके माध्यम से SSP महोदय से मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ें, जो चोरी किए हैं उनको पकड़ें और हमारा माल का रिकवरी कराएं, क्योंकि मात्र 10 कदम में अगर चोरी हो रहा है जहाँ पुलिस चौकी है और जहाँ PCR है, तो ऐसे थानेदार को भी यहाँ थानेदारी करने का कोई हक और अधिकार नहीं होना चाहिए। और जमशेदपुर से सटे NH-33 पर बालीगुमा सुखना बस्ती में एक नवजात बच्ची झाड़ी से लावारिस स्थिति में मिली। स्थानीय निवासी राजू सिंह ने बताया, गुरुवार को सुखना बस्ती में सुबह में झाड़ी में लावारिस हालत में नवजात बच्ची मिली। बाद में नवजात शिशु को MGM अस्पताल लाया गया, नवजात शिशु जिंदा है। वहीं स्थानीय महिला मंजू देवी ने बताया, वह नवजात शिशु को गोद लेना चाहती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो कि आज इस तरह की घटना जो हो रही है, इसके लिए बहुत शर्मसार की बात है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का जो भी घटना हो रहा है, इसकी बहुत निंदा किया जाए। और बच्चे के लिए तो आदमी आज कितना मन्नत मांगा जा रहा है, कल का एक सीतिया पर्व था जिसमें बाल बच्चे के लिए अपना कितना आदमी सुबह से उपास रखा, मगर आज इस तरह का सुबह सुबह 4 बजे भोर की सूचना हम लोग को मिली कि एक बच्ची झाड़ी में फेंका हुआ है। उसको हम लोगों ने अभी जस्ट MGM हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। बच्ची की स्थिति तो अभी ठीक है, और बच्चा गोद लेने के लिए एक महिला खड़ी है, जो कि वो बच्चा बोली कि हम गोद ले लेंगे। क्या देखिए आप? बच्चा गिरा हुआ था, बच्चे रो रहा था, हमारा बच्चा उधर गया टॉयलेट में, तो बच्चा देखा, हमें बुलाया, फिर हमें चले गए, फिर हम बच्चे उठा के लेके आ गए। बच्चे को हमने दूध पिलाया तो बच्चा दूध पिया, रोया वोया, पोछा ओछा, फिर हम लेते आए हॉस्पिटल। बच्ची आज ही की पैदा हुई है, उसकी नाड़ी उड़ी कट, वो क्या बोलते हैं, किसी फार्म में बालीगुमा सुखना बस्ती, हाँ, झाड़ी में फंका हुआ था, क्योंकि हमें बच्चा बहुत पसंद है। अब क्या लेना चाहते हैं? बच्चा, बच्चे गोद लेना चाहते हैं। हाँ, बच्चे गोद लेना चाहते हैं। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में केंद्र सरकार के स्टैंडअप इंडिया योजना को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बैंकों के प्रतिनिधि, कॉलेज के छात्रों के अलावा जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी और LDM मौजूद थे। स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत आयोजित इस सेमिनार में लोगों को योजना के प्रति जागरूक करते हुए अधिक से अधिक इसके लाभ से संबंधित बातें बताई गई, जिसमें ऋण के माध्यम से स्वरोजगार शुरू करने संबंधित जानकारियां दी गई। इस सेमिनार में जिले भर के 22 बैंकों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सरायकेला जिले में स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत 70 लाख तक का ऋण दिया गया है। इसके अलावा अब तक कुल 27 लोग इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। आयोजित सेमिनार में LDM RK सिन्हा के अलावा आईडा के सचिव हरि कुमार केसरी, एशिया के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल और जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक SS बैठा मुख्य रूप से मौजूद थे। जैसे कि सर ने बताया, वैकेंट सब्सिडी होने से वो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट में, जागरूक किया जाए इस योजना के बारे में, जागरूक किया जाए
कि क्या हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं कि आप फंड के बिना अपने काम को आगे मत रोकिए, फंड आपको सरकार बैंक के द्वारा आपको दिलाएगी, आप में ये विल पावर होना चाहिए कि हम आगे बढ़े। जमशेदपुर में हिंदी दिवस के अवसर पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन स्कूली बच्चों के लिए आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने देश की वर्तमान परिस्थिति पर अपने प्रवचनों को लोगों के बीच रखा। बिष्टुपुर स्थित मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में हिंदी दिवस के अवसर पर स्कूल के द्वारा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा को भाषण के माध्यम से लोगों के बीच रखा। इस अवसर पर स्कूल के कई शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं मौजूद थे। पत्रकारों से बात करते हुए स्कूल के शिक्षक ललित कुमार दुबे ने कहा कि हिंदी जैसी सरल भाषा को छात्र छात्राओं के बीच में जीवित रखने के उद्देश्य से और देश की वर्तमान परिस्थिति में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 100 से अधिक छात्र छात्राएं उनके द्वारा तैयार किए गए भाषण के माध्यम से लोगों को अवगत कराएंगे। हम फिर से कश्मीर को वार्षिक हिंदी व शिल्प कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इसके तहत बच्चों को बोलने, समझने और उसको अपनी बात को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया गया है। जैसा कि समाज में हम देख रहे हैं मानवीय संवेदनाएँ ह्रास होती जा रही हैं, रिश्ते तार तार होते जा रहे हैं, तो एक जो बच्चों में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, समाज का देखा देखी वो कुछ गलत सीख रहे हैं, तो उसको सुधार करने के लिए और विद्यार्थी जीवन से ही उनमें एक संस्कार जो पैदा किया जाए कि वो देश के लिए अच्छे नागरिक बन सकें, किसी प्रकार का धार्मिक मजहब का भेदभाव उनके अंदर न रहे, देश के प्रति वो अपने कर्तव्य के प्रति वफादार रहें। और इधर जमशेदपुर में हिंदी दिवस पर बिष्टुपुर स्थित LIC प्रमंडलीय कार्यालय में हिंदी दिवस पखवाड़ा समारोह 2017 का आयोजन किया गया। LIC के सीनियर डिविजनल ऑफिसर मोहम्मद MM अंसारी ने बताया पूरे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जीवन बीमा निगम भी हिंदी पखवाड़ा मनाता है। 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा दिवस के दौरान लेखन, भाषण एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वासियों को मालूम है कि 14 सितंबर को पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में हिंदी दिवस, जो कि 1949 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा के रूप में भारत सरकार ने घोषित किया, उस दिन से ये 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। और भारतीय जीवन बीमा निगम चूँकि हिंदुस्तान का एक प्रमुख अंग है हिंदुस्तान में हिंदी में कार्य करने में, तो इसलिए हम लोग भी हिंदी के कार्य को बढ़ावा देने के लिए हर कार्य हिंदी से हो, हिंदी को हर लोगों तक हिंदी को पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम होता है, जो कि एक पूरे पखवाड़े का 15 दिन का कार्यक्रम 14 से 28 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र परामर्शकर्ती डॉक्टर उषा सोनकर का कहना है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यदि असफलताओं से है हताश, नौकरी की है तलाश, कोर्ट कचहरी से है परेशान, ग्रहों की दशा राहु केतु की खींचतान, तो मिले ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उषा सोनकर से। संतान प्राप्ति, घरेलू कलह, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा, पढ़ाई में बाधा, तरक्की, तबादला, काल सर्प योग, मांगलिक दोष, शनि दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष से मुक्ति का मार्ग ज्योतिष विचार केंद्र, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उषा सोनकर, 12 MP नगीना मेन रोड, आदित्यपुर, इनसाइड बैंक ऑफ बड़ौदा। कॉन्टैक्ट 9031302795 एंड 7992374619। गोलछा साड़ी सेंटर, गोलछा साड़ी सेंटर अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं,
लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कटिन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी सुप्रसिद्ध स्वामी रामकृष्ण शास्त्री श्री शिरडी से पूजा करके जनता के विशेष अनुरोध पर जमशेदपुर में आए हैं। श्री साईं बाबा के उपासक का अद्भुत चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं बल्कि सिद्धि है। आपका चेहरा, हस्तरेखा, फोटो देख करके दिल की बात बताते हैं। स्त्री पुरुष पर किसी भी प्रकार की समस्या का स्वामी जी भक्ति, पूजा पाठ एवं सिद्धि से 100% गारंटी से निवारण करते हैं। संतान, व्यापार, राजनीति, विदेश भ्रमण, प्रेम विवाह, प्रेम भंग, विद्या, स्वास्थ्य, शत्रु से मुक्ति के लिए मिले। स्वामी जी द्वारा नेता, अभिनेता, उद्योगपतियों ने लाभ उठाया है। जिन लोगों का ज्योतिष एवं तांत्रिक पर से विश्वास उठ गया है वो एक बार अवश्य मिले। पहली मुलाकात में समाधान होगा, इसका लाभ उठाएं। मिलने का पता, जीके अपार्टमेंट, निचला तल्ला, नरबीराम हंसराज इंग्लिश स्कूल के नजदीक, गोपाल मैदान के पास, तुलसी भवन के पीछे, बिस्टपुर, जमशेदपुर। समय प्रातः 8 बजे से 1 बजे तक और 3 बजे से रात्रि के 8 बजे तक। आपके तुरंत पैसे की आवश्यकता के लिए IIFL गोल्ड लोन पेश करता है, एक आसान और सरल तरीका। इसके लिए आपको केवल 3 चीजें चाहिए, आपका पहचान पत्र, पता प्रमाण पत्र और आपका सोना। आपकी हर आवश्यकता के लिए IIFL गोल्ड लोन्स, चाहे आपके परिवार में कोई विवाह हो या आपके बच्चों की उच्च शिक्षा, इसका इस्तेमाल करें किसी भी आवश्यकता के लिए, आपातकालीन चिकित्सा से लेकर आपके सपनों का घर खरीदने तक। और आपका सोना हमारे पास सुरक्षित है जब तक आप उसे वापस अपने घर नहीं ले जाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जीवन बीमा निगम के सरायकेला के आदित्यपुर शाखा कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा समारोह का आयोजन किया गया। आदित्यपुर स्थित LIC कार्यालय में 14 सितंबर से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस हिंदी पखवाड़ा समारोह का विधिवत उद्घाटन शाखा कार्यालय में किया गया। आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में LBSM कॉलेज के हिंदी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद चांद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। आयोजित कार्यक्रम में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के साथ ही अधिक से अधिक उपयोग करने पर जोर दिया गया। इस दौरान काफी संख्या में LIC कर्मी मौजूद थे। देश की सभी बोलियां एवं भाषाएं हमारे राज्य मंत्रालय, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों इत्यादि के कार्यालय प्रमुखों से अपील करता हूं कि वे अपने दैनिक और सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिंदी का प्रयोग करें। वहीं सरायकेला जिले के आदित्यपुर में पिछले दिनों खूंटी जिले के कांकी में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को ग्रामीणों द्वारा बंधक बनाए जाने के मामले को लेकर सामाजिक संस्था एकता विकास मंच द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। वहीं मंच द्वारा राज्य के हालात को लेकर प्रधानमंत्री को अवगत कराते हुए पत्र लिखा गया था, जिसमें लिखा गया कि राज्य में गैर आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और कुछ लोगों के इशारे पर राज्य के अमन चैन को समाप्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मंच ने साफ तौर पर बताया कि राज्य में गैर आदिवासी ही नहीं बल्कि पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी भी सुरक्षित नहीं है और राज्य में देश का कानून मान्य नहीं है। साथ ही ग्राम सभा को सर्वोपरि बताते हुए इसके लिए दिशा निर्देश जारी करने की बातें कही गई। वहीं PMO कार्यालय द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के प्रधान सचिव से पूरे मामले को लेकर PMO को अवगत कराने को कहा गया है, जिसकी प्रतिलिपि एकता विकास मंच के संयोजक को भी भेजी गई है। वहीं PMO द्वारा मामले को गंभीरता से लेने पर संयोजक AK मिश्रा ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री को झारखंड की हालात से अवगत कराया गया था, जिसमें एकता विकास मंच द्वारा लिखा गया था कि झारखंड में एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति के तहत गैर आदिवासी पदाधिकारियों सहित आम जनता को परेशान किया जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण खूंटी जिला के कांकी में ISIPS को 11 घंटे तक बंधक बनाए रखा गया ग्रामीणों द्वारा और मोबाइल छीन लिया गया, पानी मांगने पर पानी तक नहीं पिया गया, दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट किया गया, जिससे झारखंड में अधिकारियों में आम जनता में दहशत का माहौल है। अगर अधिकारियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती है तो आम जनता के साथ क्या होगा। सर्वोपरि न्याय कानून है, जो भी कानून होगा वो ग्राम सभा से पारित होकर ही काम होगा, ग्राम सभा जो चाहेगा वही होगा झारखंड में, और इसके अलावा दूसरा कोई कानून नहीं है। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित राजकीय ओडिया मध्य विद्यालय के 3 छात्रों का चयन दिल्ली में आगामी 17 सितंबर को स्वच्छ भारत अभियान के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हुआ है। आदित्यपुर के राजकीय ओडिया मध्य विद्यालय के 2 छात्राओं और 1 छात्र का चयन स्वच्छ भारत अभियान के तहत आगामी 17 सितंबर को दिल्ली में आयोजित हो रहे वॉशिंग स्कूल कॉन्क्लेव कार्यक्रम में हुआ है। पूरे राज्य भर से एकमात्र राजकीय ओडिया मध्य विद्यालय से इस कार्यक्रम में छात्रों का चयन होने से स्कूल प्रबंधन काफी गौरवान्वित है। स्कूल की प्राचार्य संध्या प्रधान ने बताया कि विगत दिनों केंद्र सरकार द्वारा चल रहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत आयोजित हुए ऑनलाइन प्रतियोगिता में स्कूल का चयन हुआ था, जिसके बाद इस कार्यक्रम के लिए इन छात्रों का चयन किया गया है। 17 सितंबर से 19 सितंबर तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम में स्कूल के छात्रों द्वारा कई कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। उसके तहत हम लोग 2016-17 में एक ऑनलाइन कंपटीशन भरे थे, जिससे विद्यालय का सिलेक्शन हुआ था ब्लू ग्रेड में, और अभी राज्य का एकमात्र विद्यालय के रूप में चयन किया गया, जिसमें 3 बच्चे मेरे स्कूल के, लिपि साव वर्ग अष्टम की, सपना वर्ग सप्तम की एवं अविनाश वर्ग सप्तम की। दिल्ली में 17 से 19 तक की जो कार्यक्रम हो रही है उसमें भाग लेने के लिए जा रहे हैं। उस कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा स्वागत भाषण तैयार किया गया है, जिसमें सब्जेक्ट है कि नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन में क्या योगदान है और उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए वो क्या क्या कार्यक्रम तय किए। और सरायकेला जिला समाहरणालय सभा कक्ष में वाणिज्य कर विभाग के द्वारा GST पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सरल टैक्स प्रणाली, कानूनी पहलू, मासिक रिटर्न बिल बनाने और टैक्स के निबंधन समेत कई जानकारियां दी गई। अधिकारियों ने बताया कि 20 लाख तक के वार्षिक आय वाले व्यापारियों को इसमें नहीं रखा गया है, इससे ऊपर के व्यापारियों को पंजीयन कराना अनिवार्य है। महीने में 3 तरह के रिटर्न भरने हैं। पहला R1 में विक्रेता किसे माल भेजे उसका डिटेल हर महीने की 10 तारीख को ऑनलाइन भेजना है, जबकि R2 में खरीदार चेक करेगा और बिल का इनपुट हर महीने की 15 तारीख तक ऑनलाइन अपलोड करेगा। R3 में खरीदार और विक्रेता दोनों को 20 तारीख तक ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध करा देनी है। मौके पर कुछ व्यापारियों ने जेम पोर्टल पर अपना निबंधन भी कराया, साथ ही सभी को जल्द से जल्द सरकार के जेम पोर्टल पर निबंधन करने को कहा गया। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना परिसर में दुर्गा पूजा व मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र में शांति कायम रहे इस विषय को लेकर कई निर्णय लिए गए। दुर्गा पूजा और मुहर्रम के एक साथ पड़ जाने से प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया है, जिसे लेकर सभी थानों में थाना प्रभारी के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजन कर लोगों की समस्याओं को जाना जा रहा है। इसी क्रम में जमशेदपुर के जुगसलाई थाने में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां जुगसलाई नगर पालिका के विशेष पदाधिकारी व बिजली विभाग के SDO मौजूद थे। सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने पर अपनी सहमति सुनिश्चित की। इस दौरान सभी शांति सदस्यों को पहचान पत्र वितरण किया गया। आज दुर्गा पूजा और मुहर्रम, क्योंकि दोनों पर्व एक साथ है, इसी को लेकर के पीस कमेटी की मीटिंग गठित की गई है। इसमें सभी पीस कमेटी के और सेंट्रल पीस कमेटी के सदस्य लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जिससे हम लोग उन पूजा को किस तरह से शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कर सकें, इसी विषय पर विचार है। महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं पर महत्वपूर्ण बिंदु है कि जैसे सुरक्षा, दुर्गा पूजा को लेकर के उसमें CCTV की आपूर्ति, प्लस हर पूजा पंडाल में पुलिस फोर्स की व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था, बिजली की समस्या,
तो इन सभी बातों को लेकर के फिर डिस्कस होगा, जिसमें एसडीओ, सफाई कर्मचारी, विशेष एजेंसी सभी लोग आए हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है, इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जा जी भारती, इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट, एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। अभी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं, हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास, राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCV, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोशकार लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-654-3741, मोबाइल नंबर 0980-149-5586 और 0997-377-0707 और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है, कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते हैं। ये विचार संपूर्ण विज्ञान भित्तिक है। हमारा ये विचार से मैरिज, एडुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। कई लोगों ने लाभ उठाया है। पिछले 12 वर्षों से मेरा कोई बच्चा नहीं था। श्री महादेव जी से मिलने के बाद और उनके द्वारा दिए गए सजेशन के बाद आज मेरे घर में बच्चे की फिलकारी सुनने को मिली और मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमें अनेक जबसी का चाहिए गेसिला, वहाँ किसी प्रॉब्लम नहीं है, किंतु कोनो सफल पाई नहीं। जब थे के महादेव बाबू कैसे गेछी तब थे के अनेक सफल लाभ इसके अमन में दिए, सिले चाकरी सब कुछ तो अनेक ठीक ठाक उन्हें जेभाव प्रिस्क्राइब करेछेन सेभावे सफल एसेछे। मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिलें और सभी परेशानियों से निजात पाएं। मिलने के लिए संपर्क करें जेमको, आदित्यपुर, साक्षी, सोनारी, मानगो, गोलमुरी, मोबाइल नंबर 9874826809430715730,
9709052086। अरे कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? यही सोच रहे हैं ना सभी? अरे और कौन? India's favorite family shopping destination, Pantaloons आ रहा है 9 September at Hightech City Center Mall, Bishnupur में। आप आ रहे हैं ना? Pantaloons, in love with fashion, in love with Jamshedpur। पिछले 30 वर्षों से लगातार झारखंड, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की धरती पर आयुर्वेद की भरोसेमंद चिकित्सा पद्धति का ऐसा चमत्कारिक वरदान जिससे हजारों लोगों ने पाया कई असाध्य रोगों का संपूर्ण समाधान। आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा और सदाबहार यौवन का प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार औषधियों का ऐसा असर जो मुश्किल से मुश्किल रोगों को भी कर देता है जड़ से बेअसर। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, पाएं फिर से वही यौवन की उमंग, उठाएं जवानी का भरपूर आनंद, क्योंकि ये है आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर एस के तिवारी की बेहद कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत पत्र, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल बीमारी का भरोसेमंद इलाज बिल्कुल सरल, एकदम आधुनिक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। अब न सहे आप निसंतान होने का दुख, पाए संतान प्राप्ति का सर्वोत्तम सुख। आयुर्वेद शिरोमणि एवं कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, सेहतमंद सफलता के 30 वर्ष जो रखे आपका यौवन हमेशा सुपर फिट। जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्ची, जमशेदपुर। फोन 0657-2438-616, 9431-3166, 9835-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के सीएच एरिया स्थित टायो कंपनी कार्यालय पर कंपनी कर्मी धरने पर बैठ गए। टायो कर्मी अजय कुमार शर्मा ने बताया कि रोजाना की तरह वे लोग गुरुवार को कंपनी बस से टायो कंपनी जा रहे थे। बीच रास्ते में बस चालक ने सभी कर्मियों को बस से नीचे उतार दिया। वे लोग वापस लौट कर कंपनी कार्यालय पर विरोध में धरने पर बैठ गए। शर्मा ने कहा, बस चालक का कहना था सेफ्टी मैनेजर के कहने पर सभी को बस से उतार दिया गया है। उन्होंने जानकारी दी, पिछले 12 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, अब टायो कर्मी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों का वेतन कंपनी जो है असंवैधानिक ढंग से रोक करके रखे हुए है। आज जो मुद्दा उठा था, आज हम लोग रोज बस जो थी कंपनी बस हम लोगों को लेकर के आती थी और लेकर के जाती थी, आज बीच रास्ते पे कर्मचारियों को बस से उतार दिया गया। कहा गया, पूछने पे कहा गया तो वहाँ के मैनेजर सेट्टी ट्रांसपोर्ट के मैनेजर मिस्टर शर्मा जो है वो रिपोर्ट किए हैं ड्राइवर को कि आपकी मैनेजमेंट जो है बस को ले जाने के लिए मना किए, जिसके चलते जो है हम लोग को उतार दिया, हम लोग को लौट करके आया और यहाँ पर बैठ गया। टाटा स्टील गुंडागर्दी पे उतर करके और गुंडागर्दी शुद्ध रूप से गुंडागर्दी कर रहा है और हम लोग इसको मानेंगे नहीं। अगर आज हम लोग का कुछ नतीजा नहीं निकलता हम लोग गेट जाम करके अनिश्चितकाल के लिए गेट जाम कर। जमशेदपुर के मानगो अक्षेस कार्यालय में जेएमएम मानगो प्रखंड कमेटी की ओर से 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। मानगो अक्षेस के विशेष पदाधिकारी को सौंपे गए 5 सूत्री मांग पत्र में दुर्गा पूजा के मौके पर साफ सफाई की व्यवस्था करने, डेंगू से बचाव के लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने एवं डिमना रोड में जुस्को द्वारा रोड लाइट की व्यवस्था करने की बातें शामिल है। इधर जेएमएम के केंद्रीय समिति के सदस्य योगेंद्र सिंह निराला ने मांग पत्र के संबंध में जानकारी दी। मोर्चा मानगो नगर के तरफ से हम एक मांग पत्र विशेष पदाधिकारी मानगो को देने आए हैं। ये दुर्गा पूजा हमारे सामने है, अभी तक सफाई पूर्ण रूप से सफाई नहीं हो पाई। यहाँ से आप देख सकते हैं यही दुर्गा पूजा हो रहा है, उसके बगल में कचरा का अंबार लगा हुआ है, पानी नियमतः यहाँ पानी नहीं मांगों में मिल रहा है। इन सभी मांगों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से हम लोग आए हुए हैं और इनको आज स्मरण पत्र दे रहे हैं। इनको एक हफ्ता का समय देंगे, नहीं देंगे तो हम लोग इस घेरा कार्यालय का बुरी तरह से घेराव करके तालाबंदी करेंगे। अपना नाम परिचय दे दिए। योगेंद्र कुमार निराला, केंद्रीय सदस्य झारखंड मुक्ति मोर्चा। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना अंतर्गत नीलकंठ अपार्टमेंट में पानी के कनेक्शन काटे जाने का विरोध करने पर सोसाइटी के लोगों ने रमेश चंद्र झा एवं उनकी पत्नी को मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। पीड़ित रमेश चंद्र झा ने गोविंदपुर थाने में सोसाइटी के लोगों के विरोध में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। गोविंदपुर स्थित नीलकंठ अपार्टमेंट के डुप्लेक्स को रमेश चंद्र झा ने मई 2016 में बिल्डर से खरीदा था। कुछ महीने पूर्व से वे अपने परिवार के साथ उस डुप्लेक्स में रह रहे थे। पत्रकारों से बात करते हुए रमेश चंद्र झा ने कहा कि पिछले 4 दिनों से सोसाइटी के लोगों के द्वारा पानी की सप्लाई बंद कर दी गई।
जिसकी जानकारी लेने के लिए जब वे सोसाइटी के जीवन ठाकुर डॉक्टर और संतोष के पास गए तो उन लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। वहीं बीच बचाव में आई उनकी पत्नी भी घायल हो गई, जिसकी लिखित शिकायत उन्होंने गोविंदपुर थाने में की है। फ्लैट लिए थे, डुप्लेक्स है, डुप्लेक्स में पानी और भिंडर दिया, कहाँ से दिया, क्या प्रोसेस है उसको हमको मालूम है। हम आउट ऑफ स्टेशन थे, मेरा फैमिली में कोई नहीं, मतलब वाइफ थी और एक बहू है, एक भी माँ, पानी नहीं है। जाकर सिक्योरिटी को बोला तो बोला आपका लाइन को काट दिया गया। बोले कौन काटा है? तो जीवन ठाकुर डॉक्टर और संतोष। जैसे क्या बात है, तब तक हमको गाली गलौज दिया और ईंटा लगा नहीं समझे, ईंटा नहीं लगा। उसके बाद डंटा जाके घर से लाया, डंटा घर से लाया, मारा हम, मारना शुरू किया। मेरा वाइफ को चोट लगा है, वाइफ भी। और जमशेदपुर में डॉक्टर SP फाउंडेशन के तत्वाधान में हृदय रोग एवं उसके प्रबंधन विषय पर एक सेमिनार का आयोजन गुरुवार को किया गया, जिसमें कई विशेषज्ञ चिकित्सक उपस्थित थे। इस दौरान सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों ने हृदय रोग के विषय पर परिचर्चा की, साथ ही इसके रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने पर भी विचार किया। चिकित्सकों ने इस दौरान अपने वर्षों के अनुभव को साझा किया। मुख्य रूप से इन दिनों हृदय रोग की समस्या आए दिन लोगों में देखने को मिल रही है और यह एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए रोकथाम और इसके निवारण की जानकारी आवश्यक है। इसी के मद्देनजर इस सेमिनार का आयोजन किया गया था। फाउंडेशन के तरफ से 34वां अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक सम्मेलन आयोजित किया गया और इसका विषय है हार्ट डिजीजेज एंड एड्स मैनेजमेंट। जैसे कि हम जानते हैं हृदय रोग जो है आज दिन के दिन बढ़ रहा है और जहां मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है और हमारी सामाजिक कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ता रहा है, वहाँ हृदय रोग पर चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। और ऐसी हालत में हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये दो दिवसीय सम्मेलन है। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर में चोरों ने फिर मचाया आतंक, मानगो क्षेत्र में दुकान का वेंटिलेटर काट दिया, चोरी की घटना को अंजाम। सरायकेला जिले के आदित्यपुर में स्टैंड अप इंडिया योजना को लेकर हुआ सेमिनार का आयोजन, 22 बैंकों के प्रतिनिधि हुए शामिल। जमशेदपुर से सटे NH-33 बालीगुमा में लावारिस हालत में मिली बच्ची, स्थानियों ने भर्ती कराया अस्पताल में। और जमशेदपुर व आसपास के क्षेत्रों में मनाया गया हिंदी दिवस, कई कार्यक्रम आयोजित। इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक ले हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।